आप सभी का पावर टिलर चैनल में स्वागत है। आज आपको हम जो ट्रक स्टार्ट है ना, चालू करने का तरीका बताएंगे कैसे होता है। सिंपल सा तरीका है, अभी बताते हैं कैसे होगा। अभी इसको हम ट्रक स्टार्ट लगा के दिखाते हैं। उससे पहले आपने इंजन ऑयल चेक कर लेना है, मशीन में गियर ऑयल चेक कर लेना है भी इसमें इंजन गियर ऑयल है या नहीं। ठीक है, चेक करने के बाद ये जो ट्रक है इसको चार बार घुमाना है, एक दो तीन चार। चार कहते वैसे तो पांच आ जाते हैं, फिलहाल हम चार कहेंगे क्योंकि बंदे से कई बार एक गेड़ा ज़्यादा भी आ जाता है। चार चक्कर इसके घुमाने के बाद इधर आपने चोक को बाहर कर लेना है। नीचे तेल ऑन ऑफ का है, ये ऑन है, चोक बाहर कर लेना है। उसके बाद हैंडल पे स्विच जो है यहाँ पे ऑन कर लेना है। एक तो लाइट का स्विच है, ये लाइट का स्विच है, इसको चलो दोनों कर लेना, पता नहीं लगता कौन सा लाइट का क्या है। दोनों स्विच हमने ऑन कर ली, ये भी ऑन कर ली। उसके बाद जब इसको दबाना है ना बटन को आपने, तो यहाँ से नीचे पहले इसको पकड़ लेना है पाइप को, क्योंकि जब सीधा दबाते तो सही नहीं होता है। देखो ऐसे पकड़ के नीचे एकदम दबाना है, ऐसे हो गया स्टार्ट। उसके बाद चोक को अंदर कर देना है, ये देख ध्यान रखना चोक अंदर कर लेना, भूल जाना। कई बार चोक अंदर करनी भूल जाते हैं अपन, अगर यहाँ पे रखोगे सही नहीं चलेगा। इधर इंजन दब रहे हैं, दबने लग गया, इसको आप अंदर कर लीजिए। इस हिसाब से ट्रक स्टार्ट शुरू होता है। चार राउंड घुमाने हैं आपने, पूरे पाँच हो जाए कोई बात नहीं, छःवां राउंड या सातवां राउंड घुमा देंगे, इसका अंदर जो पत्ती होता है वो टूट भी सकता है, तो ये चीज़ का ध्यान देना है। अभी थोड़ा सा आपको चला कर भी दिखा देते हैं। चलाओ जी, दिखाइए भाई साहब, चला के दिखाओ। R770 मॉडल है, RBW नाम से, घास बसा हुआ। आपको घास के बीच में चला के दिखाते हैं, देखो कितना बढ़िया काम करेगा ये। दिखाओ भाई चला के, चलाइए। दूसरा गेट लगाइए, चलो देखिए। देखिए क्या बढ़िया काम करता है, ऐसे चलेगा। ठीक है, बस साथ में आपको ये डबल प्लाव भी चला के दिखा देते हैं। भाई साहब बीच में पूछते भी डबल प्लाव कैसे चलता है। जैसे आपने दो फीट में मिट्टी लगानी है, दो फीट में अगर मिट्टी लगानी हो तो यहाँ से आपने इस चार ब्लेडों का पोर्शन है, इसको आपने ये यहाँ से पिन निकाल लेनी है, ये वाली पिन निकल जाएगी। आठ आठ ब्लेड का सेट हो जाएगा, एक ही आठ का ये सेट हो जाएगा, आठ वाला दूसरे ब्लेड का सेट हो जाएगा जो वो वहाँ पे पड़ा है, ये वाला आठ आठ ब्लेड आपने जगह टायर की जगह पे लगा लेनी है। पीछे डबल प्लाव लगा लेना है और चालू कर लेना है। आगे रोटावेटर मिट्टी रोटावेटर करता जाएगा, साथ में पीछे डबल प्लाव मिट्टी लगाता जाएगा। ये भी रोटावेटर चला हुआ है, इसमें हम आपको टायर के साथ मिट्टी लगा के दिखाते हैं। ठीक है जी, और ध्यान रखना है ये जो ट्रक स्टार्ट का है ना, इस तरफ गेड़ा देना है अपने, इसको जिस तरफ एयर फिल्टर है इस तरफ उल्टा गेड़ा देना है, इस तरह ऐसे इस तरह बस उल्टा गेड़ा देना है। चोक फिर लगा ली, बस दबा के स्टार्ट करके दिखाते हैं। ये देखो जब ढीला रखते ना ऐसे होता है, ये देखो ऐसे नहीं करना, इसको आपने ऐसे पकड़ के फिर दबाना है। ये देखो ढीला हो रहा है ना, ऐसे होता है, उसको आपने इसको पकड़ के फिर ऐसे दबाना है, ऐसे फिर काम करेगा। दोबारा फिर दिखा देता हूँ, देखो एक दो तीन चार, चार हो गए। अब इसको पकड़ो यहाँ से नीचे, हो गया ना, इसका चोक को बंद कर दो, ये तरीका। अभी साथ में डबल प्लाव लगा लिया, मिट्टी लगा के दिखाते हैं। चलाओ भाई, हल्की सी रेस रखनी है, अब ज़्यादा नहीं, ज़्यादा रेस करो टायर स्लिप मारेंगे। हल्की सी रेस रख के हल्का सा हैंडल ऊपर उठा लेना है, और देखो मिट्टी लगाता हुआ, देखिए लग गई ना मिट्टी, ऐसी लगेगी, देखिए लग गई मिट्टी, कितनी बढ़िया मिट्टी लग गई, देखिए हो गए मिट्टी, देखो कितनी बढ़िया लगाई इसने, देखिए मिट्टी कितनी बढ़िया मिट्टी लगा रहा है, देखिए इस तरह से मिट्टी लगेगी। लग गई ना मिट्टी, हल्का हाथ ऊपर उठा के रखना है, बस इस हिसाब से मिट्टी लगेगी। ये देखो दो नाली बना दी,
दो तरह मिट्टी लगा, इस तरह से मिट्टी लगेगी। जय जवान जय किसान।